ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री हा आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अहिवारा मा बैंक के शाखा भवन के संग 11 एटीएम और गोदाम के करीन वर्चुअल लोकार्पण। ईडी के टीम हा आज भिलाई 3 के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अचल भाटिया के घर मारिन छापा। और मौसम विभाग के मुताबिक अवैध 24 घंटा मा प्रदेश के कतकोन इलाका मा आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए की संभावना। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अंतर्गत अहिवारा में बैंक के शाखा भवन के संग 11 एटीएम और गोदाम के वर्चुअल लोकार्पण करें। कार्यक्रम में कुल 2,21,00,000 रूपया ले ज्यादा के राशि के विकास कार्य के लोकार्पण करेगी। ए बेरा में मुख्यमंत्री कहीन के प्रदेश में किसान और ग्रामीण मन के जीवन में सहकारिता के माध्यम ले बड़ बदलाव आए है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नव नियुक्त चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा अवेशन ला संबोधित करते हुए कहीन कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पहचान रामायण और महाभारत काल ले है। कार्यक्रम में जस्टिस गौतम भादुड़ी हा स्वागत भाषण दिन। एकर अलावा महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा केन्द्र सरकार डहाल ले ओखर स्वागत करीन। जानवा के मुताबिक चीफ जस्टिस श्री सिन्हा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 15वा चीफ जस्टिस हरे। छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग डहर ले बलरामपुर जिला के केनापार ग्रेफाइट ब्लॉक ला ई नीलामी के माध्यम ले कंपोजिट लाइसेंस के रूप में आवंटन पर 111% के अधिकतम बोली लगाएगी। भौमिकी और खनि कर्म के संचालक जयप्रकाश मौर्य के निर्देशन में 29 मार्च के ई नीलामी करेगी। राज्य डहर ले पहली बार ग्रेफाइट ब्लॉक के सफलतापूर्वक ई नीलामी करेगी है। एक पहली देश में केवल उड़ीसा और मध्य प्रदेश डहर ले ग्रेफाइट ब्लॉक के आवंटन ई नीलामी के माध्यम ले करेगे है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के टीम आज भिलाई 3 के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अचल भाटिया के घर छापा मारिन। ईडी के टीम डहर ले ट्रांसपोर्ट के ठिकाना पहुंच के जांच शुरू कर देगे है। बुधवार के घलो ईडी के टीम भिलाई मा बड़ पैमाना मा शराब ले जुड़े अधिकारी और व्यवसायी मन के घर मा दबिश दे रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर स्थित अपन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पहली डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी लॉन्च करी। उमनहा ये मौका में रेडियो संगवारी के संस्थापक और संचालक के संग पूरा टीम ला छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति ला व्यापार प्रचार प्रसार के दिशा में एक बेहतर प्रयास बतात हुए बधाई और शुभकामना दिन। मुख्यमंत्री कहीन कि रेडियो संगवारी के माध्यम ले छत्तीसगढ़ी लोक कला लोक संस्कृति और गीत संगीत ला आम लोगों तक पहुंचाए बर रेडियो संगवारी के स्थापना करे गए है जेन सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री कहीन कि छत्तीसगढ़ के लुप्त हुआ संस्कृति विधा और कला परम्परा ला नवा जीवन दे बर रेडियो संगवारी एक ताकतवर माध्यम हो सकत है। नवा कलाकार मन के प्रतिभा ला घलो एकर माध्यम ले आसानी ले दुनिया के सामने लाए जा सकत है। एबेरा मा रेडियो संगवारी के संस्थापक राहुल शर्मा और सह संस्थापक डॉक्टर हेमंत सिरमौर हा बतायन कि रेडियो संगवारी ला 2G इंटरनेट स्पीड में घलो आसानी ले सुने जा सकत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हूँ। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। कांके लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी के प्रतिनिधि और युवा आदिवासी भाजपा नेता विक्रम ध्रुवे है आज चिकला कसा स्थित अपन निवास में फांसी लगा के आत्महत्या कर लीन। जानवा के मुताबिक मृतक तीर पुलिस ला सुसाइड नोट बरामद हुए है जेमा विक्रम ध्रुवे हा आत्महत्या के पाछू खुद ला जिम्मेदार बताये है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मामला के जांच में जुट गए है। ये घटना बालोद जिला के दल्ली राजहरा क्षेत्र के है। जानवा के मुताबिक विक्रम ध्रुवे डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय और युवा नेता के रूप में उभरत रहीन। ओमन भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा बालोद जिला के जिला अध्यक्ष घलो रहीन। दुर्ग जिला के बेमेतरा रद्दा में एक मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होए के गिरे ले ओमा सवार एक महिला के मौत होए के संग एक मनखे हा घायल हो गए। उन्हें राजनाथगांव के जंगलपुर तीर पाछू रथिया एक अज्ञात वाहन हा मोटरसाइकिल सवार 3 लोगल्ला पाछू ले टक्कर मार दीन। हादसा में एक मनखे के मौत हो गए। उन्हें
दू युवक मन घायल हो गए जेमन ला इलाज बर अस्पताल मा भर्ती कराए गए हे। एति सत्ती जिला के पतेरा पाली खुर्द मोड़ तीर एक स्कूल बस हा बाइक सवार दू लोगन ला टक्कर मार दी। ए हादसा मा एक मनखे के मौत हो गए, उहे एक आने मनखे हा गंभीर रूप ले घायल हो गए जिला सत्ती के अस्पताल मा भर्ती कराए गए हे। दुर्ग के हिशा बघेल छत्तीसगढ़ के पहली महिला अग्निवीर हरे। ओमन 28 मार्च के उड़ीसा के आईएनएस चिल्का मा अपन प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करें और भारतीय नौसेना मा शामिल हुई। जानमा के मुताबिक हिशा बघेल हा दुर्ग जिला बोरी गारका गांव के निवासी हरे। हिशा बघेल 2600 के अग्निवीर बैच मा शामिल हुई रहीन। ए बैच मा 273 माई लोगन रहीन। आय ले ज्यादा संपत्ति के मामला में पूर्व आईआरएस अधिकारी अमन सिंह ला हाई कोर्ट ले राहत मिल गए है। अमन सिंह के डहर ले दायर करेगे अग्रिम जमानत याचिका ला मंजूर कर दे गए है। कोर्ट के आदेश के बाद अब अमन सिंह ला पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सके। जस्टिस राकेश मोहन के बेंच हा पहली ले ए मामला मा सुनवाई पूरा कर ले रिस और फैसला ला सुरक्षित कर ले रही। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश के कतकोन इलाका मा आज घलो अधर चले और गरज चमक के संग वर्षा हुई। राजधानी रायपुर के संगे संग बिलासपुर दुर्ग और सरगुजा संभाग के कतकोन जिला मनमा मंझनिया के बाद मौसम में बदलाव देखे गए। मौसम विभाग के मुताबिक एक सिस्टम दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर बने हैं और एक द्रोणिका के अनियमित गति दक्षिण तमिलनाडु ले उत्तर छत्तीसगढ़ विस्तारित है, जेकर कारण प्रदेश के कतकोन इलाका में आज हल्का ले मध्यम वर्षा हुआ थे। अब थोड़कुन समाचार सारमा। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान हा बताएं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ले मिले सूचना के अनुसार हज यात्रा 2023 बर आवेदन करेगे हज यात्री मन के चयन आज मंझनिया 3 बजे ले करे जाथे। राजनांदगांव जिला मा नीट परीक्षा के तैयारी करत एक युवक ला बीएएमएस पाठ्यक्रम मा प्रवेश दिलाए के नाम ले 5.5 लाख रूपया के ठगी करे के मामला आगू आए है। कोंडागांव जिला के बयानार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरंग गांव में आज माओवादी मन एक निजी मोबाइल टावर में आग लगा दिन। माओवादी मन घटना स्थल में बैनर पोस्टर घलो लगाए रहीन। राजनांदगांव नगर पालिका निगम के वित्तीय बछर 2023-24 के आय व्यय अनुमान पत्रक आज प्रस्तुत कर दे गए है। औ दुर्ग जिला के सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत काली ज्वाला विसर्जन के दौरान एक युवक हा दू नाबालिग के संग सग बहिनी मन ऊपर चाकू ले हमला कर दिस, जेखर बाद एक युवती के मौका में ही मौत हो गए, फिर गंभीर रूप ले घायल आने युवती ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक गांव फिर। मुख्यमंत्री हा आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अहिवारा मा बैंक के शाखा भवन के संग 11 एटीएम और गोदाम के करीन वर्चुअल लोकार्पण। ईडी के टीम आज भिलाई 3 के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अचल भाटिया के घर मारिन छापा और मौसम विभाग के मुताबिक अवैया 24 घंटा मा प्रदेश के कतकोन इलाका मा आज हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना। एक रे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।